हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें पहले वाला लेक्चर में मैं लिपिड्स ख़त्म किया हूँ, ठीक है। और मैं आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊँगा क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब टेस्ट के आधार पर बांटा गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कल बता चुका अगला लेक्चर में, और मैं आज टेस्ट के बेसिस पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर क्या होता है। फर्स्ट नंबर है शुगर। शुगर जो है टेस्ट के आधार पर कैसे लगता है, ठीक है। और इसका टेस्ट टेस्ट के आधार पर कैसे लगता है, क्या है इसका टेस्ट, देखिए। द कार्बोहाइड्रेट विथ स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और विथ स्वीट, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट विथ स्वीट कह रहा है, इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। मतलब ये जो स्वीट होता है इसमें, इसीलिए इसको शुगर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि मीठा लगता है। इट इंक्लूड्स मोनोसेक्राइड्स एंड ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड होता है, ठीक है। के फ्रेंड्स सेकेंड क्या होता है, नॉन शुगर, ठीक है। नॉन शुगर किसको कहते हैं, देखिए, ठीक है, नॉन शुगर। द कार्बोहाइड्रेट विच विदाउट ए स्वीट टेस्ट आर कॉल्ड नॉन शुगर। मतलब क्या कह रहा है, विदाउट ए स्वीट टेस्ट आर कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। जो द कार्बोहाइड्रेट विच विदाउट ए स्वीट टेस्ट आर कॉल्ड नॉन शुगर, मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट विदाउट मतलब नहीं होता है इसमें स्वीट, इज कॉल्ड इज कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में ले लेंगे तो देखिए पोलियोसेक्राइड होता है, देखिए एग्जाम्पल में पॉलीसेक्राइड्स हो गया दोस्तों। अब देखिए इस पे फिर आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड मेरा था, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब इसके आधार पर कितने टाइप में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट वाला बांटा, उसमें डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के आधार पर शुगर और नॉन शुगर को मैं डिवाइड किया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें क्या आ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नेचर, ठीक है। इसमें रिड्यूसिंग शुगर देखिए, पहले देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, देखिए दोस्तों, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द टॉलिन रिएजेंट, ठीक है, एंड फेलिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इसमें क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द टॉलिन रिएजेंट, मतलब क्या करता है, इसमें रिड्यूस कर रहा है टॉलिन रिएजेंट के, एंड द फेलिक सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। देखिए इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द एल्डोज टाइप कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, मतलब जो है इट इंक्लूड्स ऑल द एल्डोज टाइप, जो एल्डोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज में ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला मैं देखता हूँ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है दोस्तों। इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस द टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए इसमें फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था दोस्तों, रिड्यूसिंग में क्या हो रहा था कि इसमें टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा था, इसमें क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस द टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिक सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द कीटोज टाइप कार्बोहाइड्रेट सच एज फ्रुक्टोज, उसमें क्या था, ऑल द इंक्लूड्स ऑल द एल्डोज द टाइप कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, इसमें क्या है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज दोस्तों किस में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। इसमें मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके आधार पर मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, हम देखते हैं मोनोसेक्राइड क्या है। देखिए ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड मोनो मतलब सिंगल होता है, सेक्रोन मतलब शुगर होता है, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, सेक्रोन मतलब शुगर होता है, ठीक है। इसी के आधार पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइट कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। एक हाइड्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइट, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोलाइट नहीं होता, ठीक है दोस्तों। दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कहा बहुत ही सिंपलेस्ट है, दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। द जनरल फार्मूला है ये वेयर एन इजक्ल टू थ्री एन मतलब 3 से 10 3 to 10 कार्बन एटम, ठीक है। देखिए यहाँ जनरल फार्मूला 3 to 10 कार्बन एटम होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमेरिज, ठीक है, विथ मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला यहाँ पर दिया है दोस्तों, देखिए C6H2O6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है, ADP + IP + एनर्जी क्या होता है, फॉस्फोरी रिलेशन होता है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंट में, ATP का होता है, ठीक है। देखिए 1 ATP बराबर कितना इन ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर 1 ATP ग्लाइकोलिसिस हो गया, तो देखिए मैं 30 ATP पे करीब साइकिल मतलब टोटल हो पाने का मतलब 38 ATP होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसे एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। इसमें क्या है, क्लास ऑफ नंबर ऑफ सी कार्बन एटम्स, मॉलिकुलर फार्मूला और एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। देखिए एल्डोज का मतलब एल्डोज, ठीक है दोस्तों। कुछ मैं यहाँ पर दोस्तों जैसे होता है एल्डोज, पेंटोन, हेक्सेन, हेप्टोज, देखिए सही होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए सब दे दिया हमें, और यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 है, और इसका मॉलिकुलर फार्मूला आप देख ही सकते हैं, ठीक है। C3H6O6, C4H10 सॉरी H8O4 होगा, C5H10O5, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखिए ग्लाइको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, ग्लिसरॉलडिहाइड, इरिथ्रोसिरोसिस, राइबोज, राइबुलोज आर एबुलिनिस, एक्साइलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही एग्जांपल है इसका, इसमें क्या है ओलिगोसेक्राइड्स, अब ठीक है इसके बारे में देखूंगा ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है व्हेन टू और मोर देन टू मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड, मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें, देखिए दोस्तों टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक इसमें क्या होता है मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टू और मोर देन टू मतलब दो या दो से अधिक या दो, ठीक है, आर कंबाइंड विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलिगोसेक्राइड, ठीक है ओलिगोसेक्राइड्स होता है। इसमें क्या होता है द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज अबाउट 2 to 10 इन द ओलिगोसेक्राइड, इसमें क्या होता है जो नंबर होता है 2 से 10 होता है, 2 to 10 होता है, ठीक है, जिसे ओलिगोसेक्राइड्स होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें 1H2O मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जब 1H2O मतलब अणु एक H2O मॉलिक्यूल का जब रिलीज होता है तब इसमें फॉर्मेशन होता है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ठीक है। एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है ऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्हेन हाइड्रोलाइट विथ आइदर मिनरल एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दे गिव्स मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, क्या कह रहा है व्हेन हाइड्रोलाइट विथ आइदर मिनरल्स एसिड और इन द प्रेजेंस, मतलब कहने का मतलब है इसमें कि इसके पर एंजाइम के प्रेजेंस में क्या मोनोसेक्राइड हो रहा है, ठीक मोनोसेक्राइड्स हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, दे आर क्लासिफाइड इंटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मतलब कहने का मतलब अभी क्या करता है क्लासिफाइड करता है इसमें किसके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, नंबर के आधार पे इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है डाइसेक्राइड्स, देखिए दोस्तों क्या होता है व्हेन टू सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड आर कंबाइंड टुगेदर विथ द ग्लूकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म डाइसेक्राइड, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है व्हेन टू और सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड, मतलब क्या होता है दो और दो मतलब दो इसमें डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है,
या सेम भी होगा तो मोनोसेकेराइड्स की कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोसिडिक वन टू फॉर्म डाइसेकेराइड्स करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं द जनरल फार्मूला इज सी एन एच टू एन एन माइनस वन वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं माल्टोज, जिसे ग्रेन शुगर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है दोस्तों, जो फ्रुक्टोज होता है मुझे फल में फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, सुक्रोज, ठीक है, ये केन शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये क्या बनता है, लैक्टोज, जो हम मुझे मिल्क में मिलता है। ठीक है, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टेट्रा सेक्राइड्स मतलब इसमें चार। ठीक है, टेट्रा मतलब वो फोर होता है। द कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कुछ, यहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इसमें देखिए फोर मोनोसेक्राइड्स के बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ टेट्रासेक्राइड। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस लैक्टोज, इसमें क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस लैक्टोज बराबर स्टाइचोस होता है। ठीक है, C24H42O21 होता है। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो आप लोग जान चुके होंगे ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई सेक्राइड। ठीक है, व्हेन थ्री मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ ट्राई सेक्राइड्स, मतलब कहने का मतलब है थ्री मोनोसेक्राइड का जो कंबाइंड होता है विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ उसमें फॉर्म होता है, इसी को कहते हैं ट्राई सेक्राइड। ठीक है, द जनरल फार्मूला इज एन सी एन एच टू एन एन माइनस टू वेयर एंड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल चुका हूँ इसमें आपको पहले वाला में, डाइसेक्राइड्स में भी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पर रेफिनोज होगा C80H32O60। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे दोस्तों, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगला लेक्चर में मेरा पॉलीसेक्राइड्स होगा, मतलब ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे मैं बताए थे कि मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स तक हो गया, इसमें एक लास्ट टॉपिक है जो पॉलीसेक्राइड्स है। ठीक है, मैं इसके अगला वीडियो में लेक्चर लाऊंगा, तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।